अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मुल्ला हमारे साथ हैं जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं आ, सर आ, क्या आरोप आपका है आ, सरकार को लेकर के आप लोग डिवाइन एंड रूल की बात कर रहे हैं इसलिए ये हमारा एक साल से आंदोलन चल रहा है यार एक साल में आंदोलन आठ दस महीना पहले सर मोदी बुला लेता तो ये सात लोग मरता नहीं था मगर हम कुर्बानी दिया सारे देश में इतना दिन मेहनत किया लड़ाई किया आखिर में सरकार तीन काला कानून वापस लिया मगर हमारा मांग था ट्वीन मांग था ट्विन वन थी थ्री तीन काला कानून वापस लो और एक सफ़ेद कानून हमारे लिए बना दो स्वामीनाथन को सुपारिश के मुताबिक क्योंकि हमारा किसान के बारे में कृषि के बारे में भारत में स्वामीनाथन से ज़्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं है सबसे बड़ा किसी विज्ञानी है उन्होंने सुफारिश किया था किसान आज रोज़ बावान किसान खुदकुशी कर रहे हैं चार लाख किसान खुदकुशी किया ये काला कानून के खिलाफ नहीं है वो पैसा ना मिलने के कारण भाई रोज नुकसान देता है जो कुछ दिन हम गया था लखनऊ मीटिंग में वहाँ सुना पूरा उत्तर प्रदेश में धान ग्यारह सौ रुपया क्विंटल में बिक रहा है और सरकार दाम तय किया उन्नीस सौ चालीस तो इस तरह नुकसान देकर तो कोई व्यापार नहीं चल सकता आप लोग जो 700 किसानों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने जो शहीद हो गए लेकिन कृषि मंत्री तो आ, अलग बात कर रहे हैं वही तो मैं बोला जो कृषि मंत्री उसको मालूम नहीं है कितना किसान मरा है इससे बड़ा शर्म के बाद कोई हो सकता वो तो जंगल में बैठा है तो मालूम नहीं पड़ा जो क्या हो रहा है कैपिटल में बैठा है उसका दफ्तर के पास खबर नहीं है किसान मार रहे हैं किसान मंत्री है और किसान मर रहे मंत्री नहीं जानना इससे लिए घिनौना बात कैसे क्या हो सकता उसको मंत्री रहने का कोई योग्यता है उसको मंत्री सभा छोड़ के जंगल चले जाना चाहिए कृषि मंत्री का कहना है कि रिकॉर्ड नहीं है लोगों का तो इनको अगर रिकॉर्ड नहीं है तो किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा घर वालों रिकॉर्ड कौन करेगा रिकॉर्ड हम करेंगे ना सरकार करेगा सरकार का जिम्मेदारी है ये जो रिकॉर्ड हो रहा है हमारा देश में इतना दिन ये जो अनऑर्गेनिक सेक्टर का रिकॉर्ड नहीं था अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इस सरकार का काम है रिकॉर्ड करना ना लेकिन आप जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उसमें ये कहा कि सरकार किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है किस तरह से ये है ये सरकार ये बात है आंदोलन कर रहा है किसान 500 संगठन उसका एक बॉडी है ये आंदोलन चला रहा है संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन सरकार इसको मिटाने का हिम्मत है क्षमता उसके पास है और हम मांग कर रहे हैं तो दोनों बैठ के तो इसका समाधान होगा अक्रॉस द टेबल मगर ये सरकार ये ना करके मिनिस्टर कोई ऑफिसर प्राइवेटली एक एक लीडर को पकड़ पकड़ के बात कर रहा है तो ये तो सही बात नहीं है एम एल खरीद करने का तरीका है जैसे एम एक जो एम नेता को खरीद लिया और उसको आंदोलन में फूट पैदा होगा ये तरीका गलत है तो ये आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को सरकार व्यक्तिगत तौर पर फोन कर रही है हाँ, ये ठीक नहीं है मगर वो लोग बात किया है मगर ऐसे हम बोला है हम बात हुआ है हम बोले ठीक नहीं किया तुम लोग संयुक्त तो किसान मोर्चा के सदस्यों ने ये बात मीटिंग में कही है कि सरकार इस तरह से हमें व्यक्तिगत फोन कर रहे कर रही है हाँ दो तीन लोग जो बात किया है बताया है रिपोर्ट किया है रिपोर्ट किया है मगर हम बोला ठीक है भाई कि ये तो रिपोर्ट कॉन्टैक्ट करें अलग बात है हम चर्चा करना चाहते हैं एक एक अच्छा मैसेज है मीटिंग तो बुलाना पड़े फॉर्मली ना सरकारी मीटिंग को भी ऐसा टेलीफोन में नहीं होता उसको चिट्ठी दे के बोलना पड़ेगा प्लेस बोलना पड़ेगा एजेंडा बोलना पड़ेगा यह है मीटिंग का तरीका है हम बोला इसलिए सरकार जो कर रहा है ये क्लैंडेस्टाइन हुए है ये नेता को भंगा तोड़ने का कोशिश हो रहा है मगर नेता को मालूम है जो नेता सरकार का पक्ष में जाएगा वो घर वापस नहीं जा पाएगा किसान उसको का बना देगा किसान के साथ जाने का हिम्मत उसको नहीं होगा गद्दारी करने का बाद कोई नेता के हिम्मत नहीं है तो अभी जो बातचीत हो रही है कि ये खबरें आ रही थी कि दो तीन दिन में संयुक्त किसान मोर्चा फैसला ले सकता है और किसान वापस अपने घरों को जा सकते हैं नहीं घर में हम तो जिंदगी भर बैठने के लिए थोड़ा ही आया है आंदोलन खत्म करने की बात थी दो दो खत्म हो गई आनंद तो का आंदोलन नहीं चल एक साल एक चलना ये भी अस्वाभाविक है दुनिया में कोई आंदोलन एक साल नहीं चला दुनिया में तो इस आंदोलन जितना लंबा हुआ सरकार का जो अड़ियलपन के वजह से पहली बात करके सुलझा सकता था मगर तो इस अभी स्थिति में आंदोलन वापस लेने के मूड में है हैं, हम तो आंदोलन मूड में है मगर हमारा जो बाकी है वो बात कंप्लीट करने का बात थोड़ा बहुत बाकी है जैसे हमारा जितना पचास हजार के करीब झूठे मुकदमा लगा दिया है वो मुकदमा विद्रा जो कोई आंदोलन के बाद पहला शर्त होता है मुकदमा विद्रा हो जाता है तो ये इसमें भी वही होना चाहिए और जो हमारा छः सौ सत्तासी कॉमरेड खून माने शहीद हुआ है उसका परिवार के मदद करना या उसका परिवार के किसी को नौकरी देना ऐसा कुछ एक सुविधा देना है ये दो बात नॉट निगोशिएबल ये होना ही चाहिए इसके बाद एम एस की के बारे में कोई होता है बातचीत हो सकता चर्चा हो सकता है ये दो बातें अगर मान ली जाती हैं तो आप लोग बाद आंदोलन खत्म करके एम पर आगे चर्चा करते रहने के लिए तैयार हैं के के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा के पर चर्चा करेंगे बोलने से नहीं होगा एमएसपी के पर लीगल गारंटी कानून बनाने के बारे में चर्चा करेंगे ये मेंशन करना पड़ेगा नहीं तो फिर भटक जाएगा एम एस पी का क्या चल एम एस पी क्या है कितना दाम है घटाना बढ़ाना ये सब तो चर्चा नहीं है एमएसपी जो एम एस पी के नीचे कोई देगा नहीं पैसा ये एक लाइन का कानून चाहिए है जैसा हमारा उन्नीस सौ चालीस रुपया धान का दाम है कोई भी खरीद करे सरकार तो खरीद नहीं कर सकता सर हम समझते हैं सरकार कितना खरीद करेगा बाकी तो प्राइवेट खरीद कर रहे हैं तो प्राइवेट को बचाने के लिए इतना दर्द क्यों है अब कानून कर दो हम सरकार जिस दाम में खरीद करता है प्राइवेट भी खरीद कर गए यही दाम यानी किसान एक बड़ी सहमति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं पहले एम एक सबसे बड़ा मुद्दा था लेकिन अब किसानों का कहना है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो आंदोलन के दौरान मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं इसके बाद किसान इस शर्त पर घर वापस जा सकते हैं आंदोलन ख़त्म करके कि आगे सरकार एम पर कानून बनाने की चर्चा करती रहे रविकांत एबीपी न्यूज दिल्ली एबीपी न्यूज आपको रखे आगे